कई ऐसे पेशेंट्स ने जो कि काम नहीं कर पा रहे, पॉजिटिव आ गए ने, काम नहीं कर पा रहे ने, उन्होंने घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, उन्होंने घर असं ये खाना पहुँचाया जा रहा है। एक परिवार के एक मेन बंदा कमाने वाला तो वो वजह न सारा परिवार इस टाइम से जरा बेरोजगार बैठा ज भुखा बैठा कि पूरे परिवार तक भी राशन प्रोवाइड किया जा रहा है या उसी बंदे दे रहे जो कोरोना पीड़ित। अमृतसर की बात करें तो वैसे अमृतसर के पूरे भारत में ऑक्सीजन की समस्या आई थी, आपकी संस्था ने कोई ऑक्सीजन के लिए कैसा कोई उपराला किया था? भारत में बहुत सारे मंदिर हैं तो मंदिरों वालों बहुत कम सेवा कर रहे हैं, आपकी संस्था क्यों सेवा कर रही है मंदिरों में, क्यों नहीं मंदिर वाले क्यों नहीं, क्योंकि जड़ावा तो मंदिरों में भी बहुत चढ़ता है। स्काई न्यूज पंजाब तुसी देख रहे हो, मैं जगतार माला। कोरोना की दूजी लहर चल रही है तो पूरा देश कोरोना के नाल लड़ रहा, जिस की तहत बहुत सारिया सिख संस्थावां NGO कोरोना के पीड़ितों की सपोर्ट कर रही, उत्थे ही सुकोन NGO वालों सुकोन संस्था वालों पीड़ित लोगों की सपोर्ट की जा रही है, उन्होंने वास्ते लंगर पका के लोगों के घर तक पहुँचाया जा रहा। साढ़े नाल संस्था के कुछ आगू ने गलबात करांगे। पंजी स्वागत है तुहाडा जी स्काई न्यूज पंजाब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किन्ने चिर तो संस्था तुहाडी जिहड़ी है सेवावां निभा रही है? हमारी संस्था जो है इस पे बड़ा काम कर रही है, कोरोना महामारी चल रही है तो हमारे जो संस्थापक आचार्य श्री भक्तिवेदांत प्रभुपाद उनका कहना था कि हमारे मंदिर के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, और अभी तो महामारी का समय है तो हम कैसे पीछे रह सकते थे जी। तो कितना समय हुआ ये कोरोना महामारी चलते ही आपने सेवाएं उठाई थी कि उससे पहले भी करते थे? पिछले वाली जो वेव आई थी उसमें भी हमने कार्य किया था, हमारा लक्ष्मण सौर चौक में भी एक सेंटर है तो वहाँ पर हम लंगर बांटते थे, और इस साल भी जैसे ही हमारे पास साधन बने तुरंत हमने इस कार्य पर कार्यवाही की है। जैसे बात करें कि पहले महामारी आई थी तो लोग घरों में अंदर बढ़ गए थे, बिल्कुल तालाबंदी हो गई थी, तो उस वक्त लोगों को खाने की काफ़ी समस्या थी, आपकी NGO ने कैसी सपोर्ट की लोगों की? हमारा यही सपोर्ट है कि जो व्यक्ति कोरोना इन्फेक्टेड है, जैसे कोई कमाने वाला व्यक्ति वही कोरोना इन्फेक्टेड हो गया, अब उसके घर में जितने बच्चे हैं परिवार के लोग हैं वो लोग कहाँ जाएंगे बेचारे, तो हमारा जो टारगेट है वो मेन उन लोगों के घरों में है जहाँ पे कोरोना इन्फेक्टेड लोग हैं, जो मेन व्यक्ति घर का है या घर में जो औरत है अगर वो कोरोना इन्फेक्टेड है बना नहीं सकती तो उनके घरों में जितने मेंबर्स हैं उतना डिब्बा प्रसाद का हम पहुंचाते हैं बना के। जब बात करें अमृतसर में आपकी संस्था चल रही तो अमृतसर में हर रोज कितनी थाली जेडी है बनती है, कितनी लोगों तक पहुंचती है? हमने शुरुआत 100 से की है, लेकिन अभी जैसे जैसे साधन जुट रहे हैं हम उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा टारगेट तो यही है अमृतसर में हर घर में हम पहुंचा सके। लेकिन बात करें अमृतसर पे तो बहुत सारे लोग अफेक्टेड आ रहे हैं, हजारों लोग अफेक्टेड आए हैं, हजारों लोग जड़े पीड़ित हैं, तो आप कैसे आने वाले समय में मैनेज करेंगे? हमारी जो संस्था है वैसे भी पूरे विश्व भर में अगर आप देखो तो विश्व का आंकड़ा ऐसा होता है कि लगभग 1.5 से 2 लाख समा कीजिए 10 से 15 लाख लोगों को हम वैसे भी डेली प्रसाद खिला ही रहे हैं, तो शुरुआत तो छोटे से ही होती है पर जैसे जैसे हमारे साधन बढ़ेंगे हम बिल्कुल हजारों की संख्या में जो है पहुंचाएंगे, हमारे पास मैन पावर भी है और फंड्स थोड़े से कम पड़ रहे हैं बट धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं तो हम करेंगे। जैसे बात करेंगे पूरे भारत की तो भारत में कितनी संस्थाएं आपकी, कितनी जगह से ये राशन बन के लोगों तक जा रहा है? इस समय भारत के अंदर हमारे 100 से 150 अलग अलग स्थान है जहाँ पे की पूरी तरह से हम कोरोना महामारी को पूरी टक्कर दे रहे हैं, हर जगह पे हम जितना साधन बन रहा है काम कर रहे हैं और लाखों की तादाद में इस समय इस्कॉन संस्था की ओर से जैसे नोएडा के अंदर अकेला वो हजारों की हजारों प्लेट डेली हम बांट रहे हैं। तो कल्ले भारत में ही आपके भवन है कि जहां भारत और भी कंट्रियों में है आपके ये आश्रम जैसे हैं? विश्व की लगभग 100 से 150 देशों के अंदर इस्कॉन संस्था है जो कि भगवान श्री कृष्ण का तो प्रचार कर ही रही है, लेकिन ऐसे समय पर बिल्कुल हम सब जगह से पूरी टक्कर दे रहे हैं इसको। जैसे कहते हैं कि जड़ी महामारी है पूरे विश्व में फैली हुई है, और भी स्टेटों में जाके और भी देशों में जाके ऐसे ही सेवा कर रहे हैं कि जहाँ कल भारत में ऐसे चल रहा है? हमारे जितने भी सेंटर होते हैं उसमें वहीं के लोकल लोग कार्यक्रम करते हैं, जैसे इटली के अंदर इटली के लोग होते हैं, रशिया में रशियन लोग होते हैं, बट वो संस्था के जुड़े हुए लोग हैं तो वो लोग क्या करते हैं वहीं पर वहाँ के लोगों का जो वहां के हिसाब से उनको क्या हाइजीन क्या प्रोटीन कितना चाहिए वो उसके हिसाब से बना कर देते हैं। जैसे बात करें कि भारत में बहुत सारे मंदिर हैं तो मंदिरों वालों बहुत कम सेवा कर रहे हैं, आपकी संस्था क्यों सेवा कर रही है मंदिरों में, क्यों नहीं मंदिर वाले क्यों नहीं, क्योंकि जड़ावा तो मंदिरों में भी बहुत चढ़ता है। असल में चढ़ावे पे तो सबकी नज़र होती है पर मंदिर में खर्चे भी बहुत होते हैं, मंदिर जो होता है वो कभी भी किसी फिक्स्ड इनकम से चलता नहीं, उसमें जब फंड्स अब देखो कोरोना महामारी में लोगों के पास पैसे नहीं है तो मंदिरों में भी चढ़ावा कम हुआ है, लेकिन फिर भी कई मंदिर हैं जो सामने आ रहे हैं, जैसे बड़े बड़े साउथ इंडिया के मंदिर है वो लोग बहुत ज़्यादा स्तर पर कार्य कर रहे हैं। पंडित जी मैं बात करूँ सुकोन जो NGO है जहाँ कोई संस्था है इसको चला कौन रहा है?
इस्कॉन संस्था जो है ये शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शुरू हुई थी और इसको आज भी हम यही मानते प्रभुपाद जी ही चला रहे हैं, बाकी उनके जो शिष्यगण हैं वो इसके अंदर, इसमें एक व्यक्ति नहीं है, इसमें पूरी टीम काम कर रही है। हर देश के अंदर वहीं का लीडर होता है और वो इसको जो है चलाता है। कब स्टार्ट की थी ये संस्था उन्होंने? प्रभुपाद जी ने संस्था स्टार्ट की थी 1966 में। अमेरिका गए थे प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में, अकेला आदमी 40 रुपए लेकर अमेरिका गए थे। रास्ते में दो हार्ट अटैक पड़े। क्यों गए? उनके गुरुजी ने कहा था आप जो है ये हमारी भारतीय संस्कृति बाहर के लोगों को दो, वो लोग मर रहे हैं। तो उन्होंने जो है 1966 में इसकी स्थापना की थी और 1977 में उन्होंने शरीर छोड़ा था। मैं बात करूं जैसे आप लंगर की सेवा करें आपने बताया, तो इस पिछले दिन ही अमृतसर की बात करें तो वैसे अमृतसर के पूरे भारत में ऑक्सीजन की समस्या आई थी, आपकी संस्था ने कोई ऑक्सीजन के लिए कैसा कोई उपराला किया था? बिल्कुल हमने किया है। हमारा नोएडा वाला जो मंदिर है और दिल्ली वाला जो मंदिर है वहाँ पर हमने प्रॉपर 150 से 200 बेड का भी इंतजाम किया, ऑक्सीजन सिलेंडर का भी इंतजाम किया और फ्री में हमारे जो डॉक्टर्स की टीम थी उनका भी बड़ा इंतजाम किया है। दोबारा अमृतसर में जब पंजाब में जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की तो आपकी संस्था ऑक्सीजन की किसी समस्या से जूझने नहीं देगी भारत को? हमारी ओर से तो पूरी तरह से हमारा काम क्या है, हमारा काम है आप लोगों से लेना और आपको देना। अब हम लोग तो कहीं से ला नहीं सकते, तो जैसे जैसे अच्छे अच्छे लोग भी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो हमारा तो यही टारगेट है कि पूरा अमृतसर जो है कोरोना मुक्त हो सके। उसके लिए हम जो कर सकते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। आपने जैसे बताया कि दिल्ली और नोएडा में आपके हॉस्पिटल हैं, आपने आइसोलेट घर बना दिए, अमृतसर में कोई ऐसा कर रहे हैं आप आने वाले समय में? अमृतसर के अंदर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसपे बिल्कुल हम कार्य कर रहे हैं। हमारी गौशाला है वहां पर हम इस तरह का एक सेटअप लगाना चाहते हैं कि हम जो है कोरोना इन्फेक्टेड लोगों को वहां पर फ्री ट्रीटमेंट दे, उनको बेड प्रोवाइड करें और उनको ऑक्सीजन सिलेंडर भी प्रोवाइड करें। कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, इसनों खत्म करने वास्ते सेहत विभाग वालों जिथे लगातार ही उपराले किए जा रहे हैं, उत्थे बहुत सारिया संस्थावां वालों गरीब लोगों तक पीड़ित लोगों तक लंगर पहुँचाने की जिहड़ी वड्डी सेवा निभा रही है। तुसी वेख सकते हो अमृतसर की एक संस्था आ जिसके वालों हर रोज़ लंगर पैक करके पीड़ित लोगों के घर तक पहुँचाया जाता है, जो कोरोना के मरीज ने जिन्हों डॉक्टर ने घर आइसोलेट किया होया वा उन्हां तक लंगर पहुँचाने की सेवा जिहड़ी है ये संस्था कर रही है। साडे नाल सेवादार ने गलबात करांगे, किहड़ी संस्था आ, किन्ने चिर तों सेवा निभा रही है, सर की नाम तुहाडा? हरे कृष्णा जी, मेरा नाम भारत गौर है जी। हाँ भारत जी, किहड़ी संस्था जिहड़ी है सेवा निभा रही है कोरोना के मरीजां तक लंगर पहुँचाने की? जी संस्था नाम है आइसकॉन, तो आइसकॉन टेंपल वालों ये सेवा की जा रही है जी। हाँ जी, हर रोज़ किन्नी जिहड़ी है थाली पैक की जाती है, किन्ने मरीजों तक खाना पहुँचाया जाता है? जी ये हले तो शुरुआत है, इसलिए 100 थालियां घट्टो घट तैयार की जाए जो कि हर किसी के घर आइसोलेट पेशेंट्स ने उन्होंने घर पहुँचाए जाते, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट्स ने जो कि काम नहीं कर पा रहे, उन्होंने उ पेशेंट्स ने जे जे काम करते ने और अज पॉजिटिव आ गए ने, काम नहीं कर पा रहे ने, उन्होंने घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, उन्होंने घर असं खाना पहुँचाया जा रहा है। तो किस तरह पता लगता है कि ये मरीज इफेक्टेड हो गए ने, इन्हों जरूरत आ, किस तरीके दे नाल सारा मैनेज कर रहे हो? जी असी कुछ लिंक्स नैट दे विच पाए हुए ने जिदे अकॉर्डिंग सानू कस्टमर जो भी है पेशेंट्स वगैरह सानू कॉन्टैक्ट करते हैं, अपनी डिटेल भेज देते हैं विद रिपोर्ट, असी उन्होंने खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। कल अमृतसर के शहर के अंदर देंगे ज देहाती एरिए भी, अमृतसर तो इलावा होर भी शहरों से जा रहा थोड़ा लंगर? साड़ी ये संस्था हर शहर के विदेशों देश विदेशों भी यह सेवा कर रही है काफ़ी समय तो, और बहुत ही लखा के हिसाब न ये सेवा की जा रही है। लंगर की गल करिए लंगर के तो कि पदार्थ जरा इस लंगर के पाया जा रहा? साड़ी वैसे लंगर की मेन्यू हर रोज़ चेंज होंगी है, हर रोज़ वधिया खाना दिता जाता है डॉक्टर की अगुवाई से। अज का जो मेन्यू है अज मिक्स वेज है, शाही पनीर है, पुलाओ है, नाल सैलड है, नाल चपाती है देसी घ्यो लगी हुई जो कि सानू संस्था ने प्रोवाइड की है। गल करिए कि कितना कितने कोरोना मरीज वास्ते स्पैशल जो खाना होंगे आ, कि तुसी ये जरा खाना है डॉक्टर की सलाह के नाल पैक किया जा रहा थोड़े वालों? जी बिल्कुल, असी डॉक्टर की सलाह के नाल ही लैके खाने बनवाते हैं जो कि कस्टम पेशेंट्स नूं दिता जाता है जी। गल करिए कि तुसी जदों काम स्टार्ट किया उदों कोरोना के मरीज किन्ने सी ते अजकल किन्ने क वध रहे हैं, तुहाडी थाली भी उस तरीके नाल वधी होगी जिस तरह की डिमांड आउंदी आ? जी हाले तो शुरू होए थे जो 30 की काउंटिंग हाले शुरू हुई थी, तो हुण काउंटिंग थोड़ी बदली जा रही जिदा जिदा एडवरटाइजिंग हो रही है, लोगों को पता लग रहा उदा सानू ऑर्डर बदले जा रहे हैं। कितना कितने मैं दिस रहा कि तुम ड्राई फ्रूट भी पा रहे हो, ये कितना किस तरह का ड्राई फ्रूट जो पा रहे? जी ड्राई फ्रूट बादाम है जो कि टैंपल वालों प्रसाद आया है, ये भी डॉक्टर की रख्या देख रेख के ही किया जा रहा है।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੰਗਰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲੜਕੇ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਚੇਅਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਟੇਬਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖ ਦੇਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਕੂਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਵਰੁਣ ਵਰੁਣ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਊਂਡ ਬੋਰਡ ਮੈਂ ਅਕਸ਼ਯ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਅਕਸ਼ਯ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਯ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਗਯ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਾਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਟਾਵਸਤੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਔਰ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਕੋਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੀ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਥਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰ ਉਹ ਵੀ ਫੂਡ ਲੈ ਸਕਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਥਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 100 ਥਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੰਨਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
बट फिर भी खाने की क्वांटिटी इन्नी होंगी है कि वो दो टाइम चाहन तो दो टाइम भी खा सकते हैं। प्लेट के इन्ना खाना होंगे कि एक परसन दो टाइम भी खा सकता उन्हें गर्म करके। जो गल करिए दूजी लहर कोरोना की चल रही है, आने वाले समय के परमात्मा करे खतरा होर बढ़ जाए तो तुहाडी जिहड़ी संस्था आ जां तुसीं सेवा जिहड़ी निजी निभा रहे हो होर तेज़ की जाएगी। बिल्कुल जी, असी उन्हें होर तेज़ करांगे, असी जिन्ना वध तो वध सपोर्ट हो सकेगा असी अपने वल्लों करांगे जरूर। सो ये सन सुकोन संस्था के सेवादार जिन्हां दे वल्लों कोरोना महामारी के चलते पीड़ित लोगों के घर तक लंगर पहुँचाया जा रहा, जिन्हों का कहना है कि कुछ परिवार जो लंगर घर के नहीं बना सकते उन्हां वल्लों इस संस्था वल्लों लगातार ही पिछले समय तो लंगर प्रोवाइड किया जा रहा। आने वाले समय के जो होर भी स्थिति खराब होंगी है तो उन्हां वल्लों अपनी गतिविधियां बढ़ा दी जाएंगी। कैमरामैन अचदीप ना जगतार सिंह माला, स्काई न्यूज़ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, अमृतसर।